in the name of allah assalamu alaikum my dear students of class 11th welcome to all of you in this online session of sociology class hope you all are fine and are doing good in your studies at your homes my dear fellow students today the topic which we are going to discuss that is social status तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है वो है सोशल स्टेटस अगर हम सोसाइटी में एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले ही पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा इसने अल्लाह ने इसको एक ऐसा क्रिएचर बनाया दुनिया में कि ये दुनिया में अलग नहीं रहता है ये दुनिया में जहां भी रहता है ग्रुप्स ये ग्रुप्स और यही ग्रुप बाद में क्या बनाते हैं सोसाइटी और सोसाइटी में इसका क्या होता है एक सोशल नेटवर्क होता है ठीक है सोशल नेटवर्क इसके रिलेशन होती है इसके इंटर कनेक्शन होते हैं इसके इंटर होते हैं कि इनके साथ जो बाकी ह्यूमन बींग्स इसके फेलो ह्यूमन बींग्स इसकी सोसाइटी में रहते हैं इसके रिलेटिव्स हैं इसके नेबर्स हैं इसके फ्रेंड्स हैं तो ये एक सोशल नेटवर्क बनाता है इस सोशल नेटवर्क में इसका क्या होता है कि हर कोई जो बंदा है इसका एक अपना अपना काम मुतयन है हर कोई बंदा दुनिया में नहीं है कि हर कोई बंदा एक ही काम करता है ठीक है दुनिया में जो भी इंडिविजुअल है जो भी किसी सोसाइटी का मेंबर है उसका एक अपना अपना अलग अलग काम हर किसी का एक, -एक काम है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जैसे हम ये कहते हैं कि एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास क्या जाता है डॉक्टर के पास ये पेशेंट जो है एक एक्सपेक्टेशन लेकर जाता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है मेरी जो बीमारी है इसका मुझे समाधान इसका जो ट्रीटमेंट है किसके पास मिलेगा डॉक्टर साहब के पास मिलेगा ठीक है उस स्टूडेंट सॉरी इस पेशेंट का एक अपना काम है और डॉक्टर का एक अपना काम है ये जो डॉक्टर है ये इसकी आइडेंटिटी है कि ये लोगों को क्या करता है जो भी लोग बीमार होते हैं उनका ये ट्रीटमेंट करता है कोई इसकी आइडेंटिटी है कि दिस इज ए डॉक्टर ये जो आइडेंटिटी है या ये जो इसकी पहचान है इसी को हम कहते हैं स्टेटस क्या कहते हैं स्टेटस या इसी तरह जो स्टूडेंट होता है उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है स्टडीज़ के हवाले से वो कहाँ जाता है वो टीचर के पास जाएगा स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ के हवाले से प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ठीक है जो स्टूडेंट है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और जो टीचर है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है स्टूडेंट की ये आइडेंटिटी लर्न करता है ठीक है और टीचर की ये इसको इसको पढ़ाता है इसको सिखाता है वो स्टूडेंट की एक अपनी आइडेंटिटी है और टीचर की एक अपनी आइडेंटिटी है गोया के हर कोई बंदा या इसी तरह हम फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं घर में होता है लेबर लेबर की ये आइडेंटिटी है कि वो काम करता है जो भी उसको घर में मतलब जो उसके उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से जो काम होगा वो उसको दिया जाता है वो उसकी आइडेंटिटी है तो क्या हुआ अब स्टेटस द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन द पोजिशन ऑक्यूपाइड है बाय पर्सन जिस तरह डॉक्टर ने कौन सी पोजिशन ऑक्यूपाई की है कि वो लोगों को ट्रीट करता है टीचर ने ये आइडेंटि ऑक्यूपाई की है कि वो बच्चों को पढ़ाता है लेबर की ये आइडेंटिटी है कि वो घर वो जो घर जो के बाकी काम होते हैं वो वो करता है या इसी तरह फैमिली में होती है हस्बैंड एंड वाइफ उनकी एक अपनी अपनी पहचान है ठीक है इसी तरह अगर हम बात करते हैं हमारे फॉर एग्जांपल हमने सोसाइटी में टेलर मास्टर के पास जाना है हमें हम ये एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं उसके पास कि हमें जो ये कपड़ा है इसका जो है जो भी हम चीज इसको बनाना चाहते हैं वो हमें वो वहां से बना के दे देगा वो टेलर मास्टर की अपनी आइडेंटिटी है ये जो आइडेंटिटी है दिस इज नोन एज स्टेटस दिस इज नोन एज स्टेटस ठीक है तो हमने इसके बारे में क्या कहा द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाई ए पर्सन फैमिली और किनशिप ग्रुप इन ए सोशल सिस्टम रिलेटेड टू अदर्स तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं स्टेटस इज सिंपली पोजिशन स्टेटस इज सिंपली ए पोजिशन इन सोसाइटी और इन ए ग्रुप वो हमने जो पहली बात की कि डॉक्टर ने ये पोजीशन सोसाइटी में ऑक्यूपाई की है कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है टेलर ने ये 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 पोजीशन ऑक्यूपाई की है कि वो हमें कपड़े बना के देता है ठीक है इसी तरह टीचर की ये आइडेंटिटी है कि वो बच्चों को पढ़ाता है फैमिली की ये मतलब वाइफ और हस्बैंड की ये पोजीशन ऑक्यूपाई की है कि जो मर्द है वो मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कमाता है और जो वाइफ होती है उसकी वो घर का काम चलाती है उसने ये ऑक्यूपाई वहां पोजिशन ऑक्युपाई की है ये है दिस दिस पोजिशन इज नोन एज स्टेटस ठीक है द स्टेटस इज द पोजिशन अपॉइंड बाय अ ग्रुप एफिलेशन ठीक है तो यहां पे एक हम डेफिनेशन अगर हम कोट करना चाहेंगे रॉफ लिटन ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है इसके बारे में स्टेटस के बारे में स्टेटस इज द प्लेस क्या है स्टेटस इज द प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम इन अ पर्टिकुलर सिस्टम विच अ सर्टेन इंडिविजुअल अ सर्टेन इंडिविजुअल, ऑक्यूपाइज एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टेटस एक पोजीशन है जो एक बंदा सोसाइटी में हासिल करता है जिस सोसाइटी में वो रहता है ठीक है एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम तो इन नक्सल और वीकेंस इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं स्टेटस इज अ पोजिशन इन ए सोशल ग्रुप और ग्रुपिंग रिलेशन टू अदर पोजिशन हेल्ड बाय अदर इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप और ग्रुपिंग जिस बंदे ने जो सोसाइटी में पोजिशन हासिल की है वो उसका स्टेटस है तो क्या हुआ अब ये सामाजिक जो हमने सोशल स्टेटस सिंपली ए स्टेटस इज ए पोजिशन इन ए सोशल ग्रुप और ग्रुपिंग ए रिलेशन टू अदर पोजिशन हेल्ड बाय अदर इंडिविजुअल जिस बंदे ने सोसाइटी में जो पोजिशन हासिल की है वो उसका स्टेटस है ठीक है दिस वॉज समथिंग अबाउट सोशल स्टेटस थैंक यू